बनाना ज़रूरी है, जो आप पसंद में आप बना सकते हैं। वीडियो देखिए और बनाइए। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माई चैनल। आज मैं बताने जा रही हूँ लंच कॉम्बो, और थोड़ा सा मैं गुर्दे के साथ जो चिकना रहता है वो भी ले ली। अगर आपको चिकना पसंद नहीं है तो आप वो निकाल के भी बना सकते हैं। और इसको आटा लगा के, गेहूं का आटा लगा के अच्छे से धो ली। अब इसमें डालेंगे 1 टीस्पून भर के नमक है, 1 टेबल स्पून अदरक लहसुन है, और 1/2 टीस्पून से थोड़ा बढ़ के हल्दी है। अब और थोड़ी सी प्याज, बिल्कुल थोड़ी सी प्याज ली भी। अब इसको क्या करेंगे, अब इसको अच्छे से हाथों से मैं मिला ली। इसके लिए मैं एक कढ़ाई रख दी और इसमें डाली 4 से 5 टेबल स्पून ऑयल। ऑयल अच्छे से गर्म हो गया। अब डाल देंगे गुर्दे, गुर्दे है और थोड़े से दिल के टुकड़े भी हैं इसमें। क्या करी, मैं इसको तेज फ्लेम पे रख दी थोड़ी देर, 3-4 मिनट या 5 मिनट इसको तेज फ्लेम पे पका लेना। तेल अच्छा जरूरत नहीं है, यही पानी और धीमा करने के बाद और पानी छूटता। गुर्दे और दिल के टुकड़े, प्याज जो भी है अपने, इसका जो पानी और छूटता तो पानी तोड़ के डाल देंगे। 2 हरी मिर्चों को तोड़ के डाल देंगे, फ्लेम को धीमा कर देंगे और धीमे फ्लेम पे 15 से 20 मिनट में इसको ढाप के, धीमे फ्लेम पे कवर करके इसको ढाप के छोड़ देंगे। बीच बीच में चाहे तो आप 1 से 2 बार मिला सकते हैं। अब क्या करेंगे, सिंपल भिंडी की कड़ी बनाएंगे। तो इसको धो ली, उसे कट कर ली, और 2 बड़े साइज का टमाटर इसको कट कर ली, 1 छोटी प्याज की डली इसको कट कर ली। ये दोनों को मिलाकर ग्राइंडर इमली को भीगने के लिए छोड़ दिए। और क्या करेंगे, कड़ी में जो गाढ़ापन देते उसको क्या करेंगे, बेसन से का घोल भी लगा सकते, या 1 मुट्ठी भर चावल भीगने 10-15 मिनट के लिए भीगने छोड़ देना, उसके बाद उसको दरदरा ग्राइंड कर लेना। चाहे आप वैसा भी कर सकते, मीडियम घोल बना देना। पैन रखिए, उसमें ऑयल डाली। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले भिंडी को फ्राई करके निकाल देंगे। भिंडी को अच्छा फ्राई करना, 50% ये फ्राई हो जाना, फ्राई भी हो जाती, कुक हो जाती। फिर मैं रखी गुर्दे इस तरह से, और इस पर रखी मैं कड़ी। तो आपको एक पकवान के टाइम में आप 3 पकवान करके निकल सकते। इसको ग्राइंड कर लेके प्यूरी बना देंगे करके मैं निकाल दी। अब भिंडी जिसमें डाले हम, उसमें ये जो प्याज टमाटर की जो प्यूरी है वो डाल देंगे। अब इसमें डालेंगे 2 टीस्पून मिर्ची है, 2 टीस्पून अदरक लहसुन है, 1/2 टीस्पून है हल्दी, और इसमें नमक है 1 टीस्पून भर के। बाद में कम पड़ा तो चक्के डाल देना। अब इसको अच्छा भून लेना, जो टमाटर का कच्चापन। अब इसमें जो भिंडी फ्राई करके रखे थे हम वो डालेंगे। दालचीनी के 2-3 टुकड़े और 2 लौंग है, 1/2 टीस्पून जीरा पाउडर है, 1/2 टीस्पून धनिया पाउडर है, 1/2 टीस्पून गर्म मसाला पाउडर है, थोड़ा सा शाह जीरा है, धनिया और जीरा रोस्ट करे हुआ है, और थोड़ी सी डालेंगे करिया पके पत्ते। 4-5 हरी इलायची, इलायची और 4-5 डाल देंगे। अब इनको भिगा के ग्राइंड कर लेना, या बेसन का घोल भी लगा सकते हैं। अब क्या करेंगे, एक हाथ से घोल डालेंगे, दूसरे हाथ से मिला लेंगे। अब उसको 5-6 मिनट धीमे पे पका लेंगे। अगर इसकी कंसिस्टेंसी आपको ज्यादा पतली दिख रही तो थोड़ा सा घोल और डाल सकते हैं। बराबर है, गुर्दे अच्छे से गल गए, पानी की तो जरूरत नहीं पड़ी। अगर आप बना रहे पानी कम दिखा तो डाल सकते हैं। थोड़ा सा डालेंगे इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट, और फिर साथ में डालेंगे लाल मिर्ची। अब इसको फ्लेम को तेज करना करेंगे और अच्छे से फ्राई होने देंगे। 2-3 हरी मिर्चें स्लिट करके डालेंगे, और थोड़ा सा कटे हुआ बारीक कोतमीर पुदीना। तरीके से बनाए, बिल्कुल कोई चीज ज्यादा नहीं डाली भी, गरम मसाला धनिया कुछ नहीं डाली। यही टेस्ट जबरदस्त था, सिंपल इजी
बना सकते हैं आप, बिल्कुल ड्राई होके अच्छे से फ्राई होके। चलिए गुर्दे भी हमारा तैयार है, मैं दम पे थोड़ी सी कोथमीर पुदीना डालना। चलिए भिंडी की कढ़ी तैयार है, गुर्दे फ्राई तैयार है। लंच कॉम्बो में पत्थर का गोश्त बनेंगे। पत्थर के गोश्त के लिए मैं आधा किलो गोश्त ली और इसको अच्छे से धो ली और इसके पतले और चपटे बड़े बड़े पीसेस करा लेना और इसको हमाम दस्ता या पनकुटली कुछ भी अगर है आपके पास तो उस पर। तो भाई सारे गोश्त को मोटा मोटा कूट ली। अब इसमें डालेंगे एक पांच छह मिर्च, हरी मिर्चें और कोथमीर पुदीना, एक लेमन का जूस। अब इसको ग्राइंड कर लेंगे। क्या करेंगे, इसको मैरिनेट करेंगे। हाफ टी स्पून गरम मसाला और वन टीस्पून है लाल मिर्ची, वन टेबल स्पून है अदरक लहसुन का पेस्ट, नमक मिर्ची आप अपने टेस्ट के हिसाब से डाल सकते हैं। अब इसको अच्छा मिला देंगे और जो कोथमीर पुदीना लेमन डाल के मैं पीसी वो है, इसको भी अच्छा मिला लेंगे। ये गोश्त ज़्यादा घटनी है, कौनला गोश्त है, ग्राइंड कर लेंगे, पाउडर बना देंगे। अब पत्थर के फूल को मिला लगा दिए इसको। अब ये सारी चीज़ें लगा दिए, इसको कवर करके आधे घंटे के लिए छोड़ देना। चलिए आधा घंटा हो गया, इसको पकाएंगे। इसके लिए मैं एक आयरन, पानी छोटता इसका और धीमे पे करने का और छोटता तो वही पानी में गल जाता। तो अब क्या करेंगे, इसका कवर कर देंगे, 15-20 मिनट कवर करके पकाएंगे। बीच बीच में इसको ढक्कन निकाल के मिलाते जाएंगे। एक चूल्हे पे बन रहे हैं वो पत्थर का गोश्त, दूसरे चूल्हे पे हम बनाएंगे टमाटे की चटनी। इसके लिए मैं ली हूँ 1/4 किलो टमाटे, 1 किलो से थोड़ा सा कम है, 1/4 किलो टमाटे। इसके लिए मैं ली हूँ 2 टीस्पून है हरी मिर्चियों को और सूखी मिर्ची, 50% फ्राई होने देंगे, उसके बाद निकाल लेंगे। अब ये निकाल दी मैं। अब क्या करेंगे, ये तेल में ऑयल में टमाटर डाल देंगे। टमाटर डालने के बाद अब इसमें डालेंगे 1.5 चाय का चम्मच नमक, थोड़ा टेस्ट पीसने के बाद थोड़ा टेस्ट पका लेंगे। देखिए 15-20 मिनट तक मैं इसको कवर करके धीमे पे रखी, इससे क्या होता गोश्त अच्छा पक जाता और गल भी जाता। और एक चिल्ली पर टमाटे बन रहे, इसको गलने देंगे, कवर कर देंगे, अच्छे से गलने देंगे टमाटरों को। और एक दूसरे चिल्ली पर बन रहा राइस, टमाटे का उसको सुखा लेना, एक खतरा भी पानी नहीं रखना। टमाटर अच्छे से गल गए और इसका पानी भी सूख गया। अब इसको निकालेंगे, ठंडा होने देंगे। अब इसको ठंडा होने देंगे, सबसे पहले क्या करेंगे, इसको फाइन पेस्ट बना देना, इसको अच्छे से पीस लेंगे, फिर सेकंड इसको थोड़ा सा पीसेंगे। गोश्त गल भी गया, पानी सूख भी गया और टेस्ट बिल्कुल डिफरेंट था। आप इसको पराठों के साथ, रुमाली रोटी के साथ, तंदूरी नान के साथ सर्व कर सकते हैं या दाल चावल के साथ सर्व कर सकते हैं। और थोड़ा तेल कम था तो मैं डाली, थोड़ा सा कम था तेल। तो मजेदार गोश्त है, जरूर बनाएंगे। फ्लेवरफुल है, जरूर बनाएंगे। चलिए चटनी हमारी तैयार हो गई, अब इसको बघारेंगे। चटनी को मैं ग्राइंड कर दी और टेस्ट ये टाइम करके कम है तो आप नमक डाल सकते हैं। पैन रख, जीरा ब्राउन हो गया, फ्लेम को बंद कर देंगे। फ्लेम को बंद करके कुछ सेकंड रुक के डालेंगे। ये चटनी व्हाइट राइस के साथ, रोटी पराठों के साथ या कहीं के साथ बना सकते हैं। चलिए हमारे टमाटर की चटनी, आप इसको व्हाइट राइस और खिचड़ी के साथ बना सकते हैं, रोटी पराठा के साथ बना सकते हैं।